इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बेलगाम में कर्नाटक बंद को लेकर मिला जुला असर रहा। कन्नड़ तंजीमों की जानिब से रियासत ने जो मराठा तरक्याती इख्तदार के लिए 50 करोड़ की रकम मंजूर की थी, उसे लेकर कन्नड़ तंजीमों ने खासी नाराजगी देखी गई। लिहाजा कन्नड़ तंजीमों ने आज 5 दिसंबर को रियासत कर्नाटक बंद का ऐलान किया था। कन्नड़ अभिमानी तंजीम के वाटाल नागराज ने बड़े ही सख्त अल्फाजों में वजीर आला येडियुरप्पा की मजम्मत करते हुए कहा कि हमेशा मराठियों ने कर्नाटक और कन्नड़ जबान की बेहुरमती की है और हमेशा महाराष्ट्र की ही तरफदारी के जुमले हमेशा इस्तेमाल किए हैं। अब जब सियासी मुफाद हासिल करने के लिए येडियुरप्पा हुकूमत मराठियों को 50 करोड़ की इमदाद का ऐलान महज अपनी सियासत को बेहतर बनाने के लिए किया है, जिससे कन्नड़ आवाम के जज्बात को ठेस पहुंची है। उधर बेंगलोर और दिगर शहरों में भी कन्नड़ तंजीमों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए रियासत भाजपा हुकूमत की मुखालफत करते हुए मराठियों की हिमायत में किए ऐलान को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि कन्नड़ आवाम के जख्मों पर गोया नमक छिड़कने के बराबर है। कई शहरों में इसका मिला जुला असर रहा, पर बेलगाम शहर में कुछ ज्यादा बंद का असर दिखाई नहीं दिया। कन्नड़ तंजीमों ने चन्नम्मा सर्कल पहुंचकर रियासत हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी फरमाई और कन्नड़ आवाम पर जुल्म ज्यादती करने वाली हुकूमत कहा। बंद के मद्देनजर पुलिस बंदोबस्त भी इंतजामिया की जानिब से किया गया था। बेंगलोर बेलगाम में एहतजाजियों की गिरफ्तारी और रिहाई की गई। डीसी दफ्तर के सामने तमाम एहतजाज करने वाले कन्नड़ तंजीमों के अफरादों को गिरफ्तार किया गया। बेलगाम में हल्का लाठी चार्ज करने की भी इत्तला हासिल हुई है। इसी तरह बेंगलोर में मुख्यमंत्री चंद्रू सारा गोविंद वाटाल नागराज और दिगर कन्नड़ तंजीमों के लीडरान ने मराठियों की हिमायत और तरक्याती के लिए मंजूर 50 करोड़ की रकम के खिलाफ एहतजाज करते हुए येडियुरप्पा हुकूमत को कन्नड़ मुखालिफ हुकूमत कहा। बेलगाम बेंगलोर चामराजनगर बेंगलुरु रूरल गदग कोप्पड़ हसन रामनगरा चित्रदुर्गा दावणगेरे बागलकोट चिकमंगलुरु और मंड्या जिला में एहतजाज कर बंद की कोशिश की गई। वाजह रहे बेलगाम शहर के होटल UK 27 में कल ही वजीर आला येडियुरप्पा की आमद हुई। आज गांधी भवन में रियासत भाजपा कोर कमेटी की मीटिंग तलब फरमाई गई है, जिसमें रियासत के तमाम बड़े कायद इसमें शरीक हुए। ये भी अहम कहा जाएगा कि रियासत में बढ़ती महंगाई, किसानों की खुदकुशी, स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों का मजदूरी करना और दिगर मसाइल पर तबादला ख्याल करने के बजाय लव जिहाद गोते जैसे कानून और मसाइल पर ही चर्चा के लिए तमाम लीडरान जमा हुए नजर आए। अवाम में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यही असल मसाइल है? क्या लव जिहाद या गोहत्या के कानून से ही गरीब मजदूर किसानों को दो वक्त की रोटी मयसर होगी? जो भी हो, भाजपा अब सियासत तो बेहतर करती है और चुनाव जीत भी लेती है, पर गरीबों पर तवज्जो जरूरी नहीं समझती है, ऐसा भी कई इल्मी माहिरीन का कहना है। बेलगाम बंद पर वजीर आला येडियुरप्पा ने कन्नड़ तंजीमों पर कार्रवाई का इशारा भी दिया और कहा कि बेवजह माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश कुछ कन्नड़ तंजीमें कर रही है। मराठी जबान से हमें कुछ लेना देना नहीं है, यह इमदाद उन मराठियों के लिए है जो रियासत में रहते हैं, ऐसा भी कहा। कन्नड़ तंजीमों का कहना है कि कन्नड़ आवाम का पैसा आखिर मराठियों को देने का हक येडियुरप्पा हुकूमत को किसने दिया? लिहाजा कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में आज येडियुरप्पा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। ये भी उतना ही सच है कि जल्द लोकसभा, पंचायत और कारपोरेशन इंतखाबात होने हैं। बेलगाम और अतराप में मराठियों की तादाद भी काफी है और बेलगाम में अब कन्नड़ मराठी तशद्दुद भी कम हो चुका है, लिहाजा इसका फायदा यकीनन भाजपा लेना चाहती है। बेलगाम कर्नाटक का वाहिद शहर है जहां से अक्सर मराठी उम्मीदवार कभी जीत कर आया करते थे। पिछले 60 सालों से बेलगाम में महाराष्ट्र एकीकरण समिति अपना तसल्लुत कायम करने में कामयाब होती रही, पर पिछले कुछ सालों से भाजपा का हिंदुत्व का असर मराठियों पर होता गया, जिससे मराठियों की तहरीक यमीयस धीमी होती गई। 1 नवंबर को जहां कन्नड़ तंजीमें राज्योत्सव मनाती थी, वही मराठियों की जानिब से काला दिन मनाया जाता था और वह तारीख ही हुआ करता था। पर भाजपा के बढ़ते सियासी इख्तदार और हिंदुत्व विचारधारा की तरफ दिगर नौजवानों का रुझान बढ़ता गया और आहिस्ता आहिस्ता एमईएस की जगह भाजपा की जीत होने लगी। एक वक्त था जब काला दिन के तौर पर बेलगाम शहर बंद किया जाता था,
पर कुछ मुफाद परस्त मराठी लीडरों ने एमईएस की तहरीक को दीमक की तरह अंदर से ही नाकाम कर दिया। अब इसका फायदा यकीनन भाजपा ले रही है और इसी के मद्देनजर एक बार फिर येडियुरप्पा हुकूमत ने 50 करोड़ की इमदाद का एक खेल खेला है और ये ऐलान कर एक तरह कामयाब सियासी चाल ही के लिए कांग्रेस की डूबती कश्ती और भाजपा का चमकता सितारा इस बार भी जमनी इंतखाबात में भाजपा को कामयाबी हासिल होगी, ये कहना अब गलत न होगा। अब ये तो तमाम तर चीजें आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। येडियुरप्पा अत्यंत कीलु बट्टद मनुष्य येडियुरप्पा ओब्ब द्रोहि येडियुरप्पा परभाषा एजेंट तमिळर एजेंट तेलुगुर एजेंट मलयाळिगळ एजेंट मराठी एजेंट येडियुरप्पा ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಎರಡು ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ವಿಫಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 30,000 ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ, ಈ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಾರಿ ಬಂದಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಜನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್, ಅದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಲ್ಲ, ಗೌ ಜಿಹಾದ್. ಈ ಗೌ ಜಿಹಾದ್ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಶಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು